मेरे जो इलाका है जिसे मेरा ताल्लुक है, मैंने बताया कि एक कच्ची आबादी थी, तो जो लोग हैं वहाँ के ज्यादातर मजदूरी जो है उनका पेशा है। जो है मेरे वालिद साहब तालीम के हक में नहीं थे हमारे, और मेरी वालिदा ने जो है उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करके, हालांकि वो भी कोई तालीम याफ्ता खातून नहीं थी, लेकिन जो उनका अपना शऊर था उसी की बुनियाद पर वो ये समझती थी कि मेरे बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा होगी, मेरे बच्चे जो है कुछ कर सकेंगे। और घर का अगर मैं तारुफ करवाऊँ सर, तो मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद जो है मैं अभी MPhil लीडिंग टू PhD की तालिबा हूँ और लेक्चरर हूँ इसके साथ, और मेरे बाद जो है मेरी एक छोटी बहन सोशियोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, और उनके बाद जो है उसके बाद मेरे भाई ने इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ही ग्रेजुएशन किया, और फिर उसके बाद जो है वो अभी एक छोटी सी जॉब जो है ईरान में कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारा ताल्लुक ईरान से है, तो वहाँ पर हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फील्ड में एक जॉब कर रहे हैं। उसके बाद मेरी एक बहन जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही हैं, और एक बहन जो है मेरी अभी रिसेंटली बॉटनी में मास्टर्स कर चुकी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। और इसके अलावा जो है एक छोटे से भाई हैं, ग्रेड 8th में है, उसके लिए हम बहुत अच्छा, खुद से ज़्यादा अच्छा फ्यूचर चाहते हैं इंशाल्लाह। इन सब के पीछे जो है, क्योंकि मेरे वालिद साहब की वो मुआशी हैसियत भी नहीं थी, इन सब ने TCF से पढ़ा, ये हमारे लिए पढ़ना स्कूल तक जो रसाई हमारी हुई ये TCF की वजह से ही हुआ है। तो TCF का हमारे घर के करीब होना बहुत दूर नहीं था, एक अच्छा स्कूल करीब था। और दूसरी ये बात थी कि जो असातजा थी TCF में, फीमेल टीचर्स को लिया जाता है, फीमेल टीचर्स पढ़ाती हैं, ये बात मेरे वालिद साहब को पसंद थी, जिस पर उनकी मुखालफत कम हो जाती थी कि फीमेल टीचर हैं, तो ये चीज़ भी सपोर्ट करती है। TCF सिर्फ कराची में नहीं, अंदरूने मुल्क में जो इन इलाकों में बलूचिस्तान में KPK में काम कर रहा है, तो उससे हम जैसे लोग जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं।